बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब इससे अच्छी टीम, इससे पॉजिटिव टीम शायद हमें कहीं और नहीं मिलती. मतलब एज अ डेब्यू वी आर वेरी लकी बिकॉज वी फाउंड वेरी सपोर्टिव पीपल एंड एवरीबॉडी ए टू जेड, वेदर इट्स डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, अदर एक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, सब लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और अपनी फिल्म समझ के उसमें काम किया. एंड इवन सीनियर एक्टर्स सपोर्टेड अस अ लॉट. मतलब वी वर एक्टिंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली, या एंड लगा नहीं कि उनके साथ पहली बार काम हो रहा है. दे वर वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव. आई गेस एज अ डेब्यू, एज अ स्टार्टिंग ऑफ अवर बॉलीवुड करियर, वी बोथ आर वेरी लकी टू हैव सच एन अमेजिंग टीम. बहुत, मतलब कुछ ऐसा लगता था कि बेटा यू नो ये लाइन ना इतनी सही नहीं जा रही है, यू वांट टू ट्राई. एंड देन आल्सो वो कहते थे एक बार डायरेक्टर से बात कर लो, मे बी हो सकता है हमें हमारे राज सर ने कुछ अलग तरीके से बताया हो. तो वो हमें हर पॉइंट पे गाइड करते थे कि नहीं तुम थोड़ा सा ना पाँव को थोड़ा पीछे रखोगे तो तुम्हारा कैमरा एंगल आएगा. वो इसके लिए मैं बस उनको तंग करता हूं. अच्छी जो सब्जेक्ट है फिल्म का, काफ़ी लोग का माइंड सेट ये होता है कि अलग कम्युनिटी में शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है. आप क्या समझते हैं फिल्म से कुछ ऐसा होगा, ओपन माइंड होगा? आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग. मतलब इंटरकास्ट क्यों नहीं कर सकते यार, प्यार ज़रूरी है, लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लाइक दे से लव हैज नो लैंग्वेज, लव हैज नो कलर. सो और प्यार अंधा होता है बोलते हैं. अमेजिंग. आई गेस जब भी बचता था तो हम लोग बहुत डांस करते थे. आई स्टिल रिमेम्बर वेन वी वर डूइंग ठुमका सॉन्ग, आवर वेडिंग सॉन्ग, ही वॉज रियली रियली इल. मतलब इसके लिए चलना मुश्किल होता था. बट आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव सच एन अमेजिंग को एक्टर जो खुद को पुश करके अपने इंजेक्शंस ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, फिर भी नहीं कि भाई करना है, इट्स अ वर्क, डू और डाई सिचुएशन, करना तो है यार. सो ही डिड एन अमेजिंग. एंड वो सॉन्ग 3 दिन चला, 3 रात कंटिन्यूसली वी शॉट एंड स्टिल ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब. मतलब इतना दर्द में होके भी ही डिड. तो यस, थोड़ा इनके बारे में बोल देता हूँ, शी इज बीन वेरी सपोर्टिव. अगर इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो शायद बाद में खून हो जाएगा मेरा. लेकिन देखो तो ऐसे ही हमने सेट पे काम किया सबके साथ मिलके. इट वॉज वेरी गुड एनर्जी. यस एंड एक दूसरे के साथ हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया. अगर हमें लगता था कोई कुछ गलत कर रहा है उसी टाइम हमने क्रिटिसाइज भी किया और सेल्फ क्रिटिसिज्म भी लिया. एंड इसीलिए परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हुई. एंड एज वेल जब गाने बजते थे सिर्फ हम ही नहीं और भी जो भी वहाँ पे हमारे डांसर्स होते थे, जूनियर भाई लोग होते थे, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे बिकॉज सॉन्ग्स इतने कैची हैं कि यू कैन नॉट स्टॉप डांसिंग. मतलब यू हैव टू फ्लो विद, यू हैव टू गो विद द फ्लो. इट्स लाइक दैट. इट्स वेरी कंटेंपरेरी. आपके सवाल ये कितना टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में अगर नोटिस करते हैं आपको, और बहुत कितना अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेगा? सर ये तो टर्निंग पॉइंट हो ही गया. या इधर तक आए वो सबसे बड़ी बात है. एंड आपको पता है आउट ऑफ द इंडस्ट्री इज, दैट्स व्हाई मैंने पहले बोला था यार सपोर्ट करो. yes. हम फिल्मी फैमिली से नहीं है. या तो वी ऑनेस्टली ट्राई डूइंग आवर वर्क एंड वी होप ऑडियंस को पसंद आए. एंड वी रियली फील कि ऑडियंस हो, कोई भी हो, उसको ये मूवी पसंद आएगी बिकॉज यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट. इट्स अ रियल कैरेक्टर, रियल पीपल. एंड वी ट्राइड अवर बेस्ट कि हम रियल से रियल करें जो एक्चुअली में हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में होता है. हमने ज्यादा से ज्यादा वही करने की कोशिश की है. वी ऑब्जर्व पीपल. देखोगे आप बोलोगे यार मैं तो सिड जैसा ही हूँ या सिड मेरे जैसा है. लड़कियां देखेंगे बोलेंगे यार हाँ मैं भी कभी ऐसी रही हूँ या मैं हूँ ऐसी. हूँ ऐसी. तो यू कैन रिलेट टू इट. वेरी रियलिस्टिक. यस थैंक यू सो मच.